योगी सरकार के नजूल भूमि विधेयक की खुद बीजेपी विधायकों ने हवा निकाल दी। इस विवाद ने सरकार और संगठन के बीच मतभेद को एक बार फिर से तूल दे दिया है। योगी सरकार ने जो नजूल जमीन बिल भारी विरोध के बीच यूपी की विधानसभा में पास कराया, वो विधान परिषद में फंस गया। और फंसाने वाले भी कौन है? खुद बीजेपी के ही विधायक। बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। इस विधेयक के पास होने की सूरत में बीजेपी को पूरे राज्य में भारी नुकसान की आशंका जताई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधेयक से असहमत थे, जिसके बाद तय हुआ कि इस बिल को विधान परिषद में पास होने से रोका जाए। ये बिल प्रवर समिति के सम्मुख है और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करेगी। तो बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार का बिल फंसा दिया, इसलिए नजूल भूमि विवाद को विपक्ष बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बता रहा है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, ये यूपी के बीजेपी की लड़ाई के तौर पे मत आप देखिए, ये मोदी वर्सेस योगी की लड़ाई है, आपस की खींचतान है, आपस की खींचतान। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस से लेकर राजभर की पार्टी SBSP ने भी इस पर ऐतराज जताया है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी NDA को छोड़ेगा? थोड़ी वो भी वोट कहे को देगा। विधान परिषद में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के विरोध के बाद इस बिल को अब सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।